तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई की पिवट टेबल की। जैसे कि हमने अभी दो क्लासेस ली है पिवट टेबल की, हम कंपेयरिंग कर रहे हैं कि पावर बीआई और पिवट टेबल में क्या समानताएं हैं। सबसे पहले हम पिवट टेबल को सीख रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने आपके साथ ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, मूविंग, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट में मैं आधी चीजें मैं करूंगा, आधी चीजें आपको करनी है, और एक ग्रुपिंग और बाकी चीजें उससे रिलेट करती है। तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूँ। तो सिंपल सी बात कीजिए, ये जो प्रोजेक्ट है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का है, इसका यूज मैं अपने ऑफिशियल टाइम में करता था। मैं एडमिन टीम में काम करता था, एडमिन कोऑर्डिनेटर था, तो वहां पे इसका यूज करता था। तो बेसिकली मेरे पास दो डेटा, जैसे आप लोग जाते हैं ऑफिस में तो कार्ड पंच करते होंगे, बहुत सारे लोग थंब देते हैं, कुछ लोग कार्ड पंच करते हैं तो डोर ओपन होता है। तो मेरा मेरा महीने में क्या होता था कि एक रिपोर्ट मुझे प्रिंट आउट करके यहाँ पे ऐसे भेजना होता था, किसको? अपने टीम को, कि ए पर्सन ने कार्ड इस दिन पंच किया था। मतलब कि वो ट्रैक करना चाहते थे कि कोई अगर ऑफिस का अटेंडेंस में प्रेजेंट लगा हुआ है तो क्या उसने कभी एक्सेस कार्ड को या थंब इम्प्रेशन यूज किया है कि नहीं यूज किया है। वो जमाना था जब तक एक्सेस कार्ड से ऑफिस खुलता था और अटेंडेंस उससे तो नहीं लगती थी, अटेंडेंस से तो टीम अटेंडेंस मार्क करके देती थी, लेकिन फिर भी हम क्रॉस चेक करने के लिए हमारा एक्सेस कार्ड जो कार्ड डिटेल होता था उससे हम वेरीफाई करते थे अटेंडेंस को। तो आपके सामने दो डेटा है। पहला डेटा है जिसमें पर्सन के नेम और उनके स्कैन कार्ड का टाइम, डेट एंड टाइम है। अब यहाँ पे एक बंदे ने एक डेट में 3 या 4 या 5 बार कार्ड स्कैन किया होगा। वो तो होता है ना, कभी हम ऑफिस में गए, फिर थोड़ा सा बाहर निकले, कोई मिलने आ गया, फिर थोड़ा सा सुट्टा मारने चले गए, लंच के लिए चले गए, वगैरह वगैरह। तो हमें भी देखना है कि मिनिमम कम से कम एक बार उसकी कार्ड पंच हुआ होगा, मीन्स वो प्रेजेंट था। तो इस डेटा जो सामने दिख रहा है, मुझे इस डेटा से इस तरह की रिपोर्ट चाहिए। दिख रहा है कि यहाँ पे नेम, यहाँ पे डेट और यहाँ पे प्रेजेंट। दूसरा डेटा यहाँ पर है। दूसरे डेटा में क्या है कि थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें इन और आउट दोनों का दिया हुआ है। तो मुझे मतलब कि उसने क्या है कि दरवाजा के दोनों तरफ एक्सेस कार्ड लगे हुए हैं, उसका कार्ड स्कैन मशीन लगी हुई है। तो किस किस टाइम में बाहर वाले को, किस किस टाइम में अंदर वाले को उसने पंच किया हुआ है। तो हमें इस डेटा से पता करना है कि सबसे पहले आते समय कब पंच किया गया और सबसे लास्ट में जाते समय कब पंच किया गया। मतलब कि मुझे इस तरह से रिपोर्ट चाहिए कि नेम, इन टाइम, आउट टाइम। ठीक है, ये आवर्स हमने बाद में ऐड किए कि कितना घंटा वो वर्किंग हुआ है। ये आवर्स पीरियड पिवट के जरिए नहीं होगा। ओके, तो इसमें से मैं एक रिपोर्ट खुद कर रहा हूं। मैं आपका पहला रिपोर्ट, पहले जो डेटा है इसको मैं खुद से कर देता हूं, बाकी दूसरी डेटा आपको करनी है। क्लियर है सर? चलिए, तो हम करते हैं काम। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट से गए, पिवट टेबल पे क्लिक किया एंड ओके। उसके बाद हमने नेम को उठाया और नेम को उठाने के बाद हमने कहाँ रखा? रो में, ताकि नंबर नेम आ जाए। उसके बाद हमने स्कैन डेट को उठाया और कॉलन में रखा। तो कॉलन में रखने के साथ कुछ इस तरह से आ गया। तो सबसे पहले इसको हम अनग्रुप करेंगे, जैसे कि मैं कल बताया था आपको अनग्रुप। उसके बाद इस पे हम करेंगे ग्रुप। देखिए, ग्रुप हम मंथ से नहीं करेंगे, ग्रुप हम डेट वाइज करेंगे। हमने थोड़ी सी गलती कर दी, हम यहाँ ग्रुप को डेट के हिसाब से करेंगे। उसके बाद हम स्कैन को ही रख देता हूँ वैल्यू में, ताकि इसका काउंट आ जाए। ध्यान रखिएगा, काउंट आना चाहिए। अगर काउंट नहीं आता है तो साइड में क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले जाइए और यहाँ काउंट को क्लिक करके ओके कीजिए। यहाँ पे काउंट आ गया। अब यहां जो ब्लैंक दिख रहा है, मुझे इस पे जीरो चाहिए। तो हम राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहां जीरो सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। जीरो हो गया। अब थोड़ा सा इसका मेक ओवर कर देते हैं। मैं यहां पे नेम दे देता हूं,
अब मुझे इसमें टोटलिंग जो नीचे टोटल दिख रहा है टोटल नहीं दिखना चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, पिवट टेबल ऑप्शन, टोटल एंड फिल्टर्स पे जाता हूँ और इसकी टोटल को रिमूव कर देता हूँ। टोटल तो रिमूव हो गया दोनों तरफ का। अब मुझे इसमें करना क्या है कि जो जीरो है इस जीरो को हमें अब्सेंट करना है और बाकी को नंबर्स को प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हालांकि फॉर्मूला लगाया जा सकता है बट हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। इसमें फॉर्मूला लगाया जा सकता है एक काम करता हूँ मैं फॉर्मूला से ट्राई करता हूँ। जाइए मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, इसको यहाँ ही रहने दीजिए, इसको हटा देता हूँ। हाँ उसके बाद मैं पिवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ, यहाँ कैलकुलेशन और कैलकुलेटेड फील्ड दिख रहा होगा इसमें आता हूँ, इसमें लगाता हूँ मैं ATT अटेंडेंस का दे देता हूँ। यहाँ इफ कंडीशन है, इफ इज ग्रेटर देन जीरो देन यहाँ पे पी आएगा, अदरवाइज ए आएगा। इस तरह की इसका फॉर्मूला हम दे सकते हैं। अगली टॉपिक हमारी यही है, इसको ऐड किया देन ओके, और हमने काउंट ऑफ नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है टेक्स्ट नहीं आ सकता, इसके अंदर सिर्फ आ सकता है अगर सम ऑफ आया ना, इसके अंदर सिर्फ नंबर आ सकते हैं। जी हाँ इसके अंदर सिर्फ नंबर आ सकते हैं, तो सो ये नहीं होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। वापस हम डेट को ही इसमें रख देते हैं। अब मेरा पहला कैलकुलेशन पार्ट तो फेल हो गया, तो दूसरा हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कस्टम फॉर्मेटिंग होता है। कस्टम फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी नंबर को किसी और तरीके से शो करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पे 1500 लिखा हुआ है, तो मैं MRP 1500 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा में MRP और फिर यहाँ पे जीरो या हैश दे दूंगा। तो यहाँ देखिए MRP 1500 आ गया। हमने क्या किया कस्टम फॉर्मेटिंग में, जस्ट MRP जीरो दे दिया। अगर मैं जीरो ना दूं तो सिर्फ MRP शो होगा। क्या शो होगा, होगा तो 1500 बट विजिबल होगा MRP। तो इसी मेथड को हम यहाँ पे करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने फॉर्मेट सेल में कस्टम में जाके यहाँ पी कर दिया तो सब में पी आएगा, पर जीरो के साथ अब्सेंट चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं इसका एक सेंटेंस होता है, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है जीरो, चौथा होता है टेक्स्ट। तो पहला पॉजिटिव आ गया, दूसरा निगेटिव के लिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया और तीसरा जीरो पे हमने ए कर दिया। तो सेमी कॉलम से सेपरेशन होता है, इसका एक सिंटैक्स है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना चाहिए तो आप मेरे कस्टम फॉर्मेटिंग का वीडियो देख सकते हैं। देन हमने इसको ओके कर दिया, बन गया अटेंडेंस। बट ये एक पेज पे प्रिंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, एक पेज पे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो प्रिंट कैसे होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको जो हमारे जो हेडिंग है इसको सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग को सिर्फ, और यहाँ राइट क्लिक करते हैं, या राइट क्लिक ना करें, होम में ही अलाइनमेंट होता है हमारा, तो अलाइनमेंट में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से वर्टिकल में हो गया। फिर पूरी सीट को हमने सेलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक कर दिया। जैसे ही डबल क्लिक किया ये आपका देख रहे हैं एक पेज में आ गया। अब इसके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर दीजिए। इसमें अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कि यहाँ इक्वल टू ए हो तो ओ जो है,
अब यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि ए जो है आपका जीरो देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये विजिबल ए है, बट जो बस कैलकुलेशन है बाकी जो भी होगी वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे ही होगी, सिर्फ दिखावे के लिए है ए और पी। तो कैसी लगी सारा जी, इम्तियाज जी एंड अजय जी, समझ में आ गया सारी चीजें? यस सर, यस सर, क्लियर अब आपका दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो आपको खुद करना है, अजय जी आपकी ईमेल आईडी क्या है अजय? है। हाँ जी, यस सर। ओके, अब इम्तियाज जी बताइए क्या। अरे फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, दूसरी जो है एग्जाम्पल आप मुझे करके अभी भेजिए, ठीक है सर, ताकि मुझे पता लगेगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या किसी चीज की रिपीटेशन की जरूरत तो नहीं है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम उसको रिपीट कर देंगे। और कल जो हमारा है क्वेश्चन डे है, ठीक है, तो कल आपको क्या करना होगा कि आपके पास अभी तक की क्लासेस में अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसके लिस्ट बना लीजिएगा, हम क्वेश्चन होगी उससे बता दूंगा। फ्राइडे के लिए आप फ्रीडम होते हैं किसी भी तरह की क्वेश्चन को पूछने के लिए, ठीक है, उसके बाद आपको वीकेंड का प्रोजेक्ट मिलेगा ताकि आप वीकेंड प्रोजेक्ट कर सकें, फिर मंडे को वापस क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है सर। सर चलिए, तो अभी जो मैंने प्रोजेक्ट भेजा है उसको कीजिए।